डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन अंबाझरी परिसर बचाव कृति समिति द्वारा पिछले 150 दिनों से अंबाझरी स्थित 20 एकड़ जमीन पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भवन निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब तक राज्य सरकार द्वारा इस मामले में कोई भी निर्णय नहीं आया है, जिसके चलते आगामी 26 जून को 12 बजे नागपुर स्थित वैरायटी चौक से उप मुख्यमंत्री भवन तक भव्य मोर्चा निकाला जा रहा है, जिसके विषय में जानकारी दी मुख्य संयोजक किशोर गजबी। डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक भवन अंबाझरी परिसर बचाओ कृति समिति द्वारा पिछले 150 दिनों से आंदोलन चल रहा है, जिसका राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार से सकारात्मक संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके चलते आगामी 26 जून 2023 12 बजे भव्य एल्गार मोर्चा का आयोजन किया गया, जो वैरायटी चौक से निकलकर उप मुख्यमंत्री भवन तक निकाला जाएगा। अंबाझरी परिसर में स्थित अंबेडकर स्मारक 20 एकड़ जमीन पर अंबेडकर भवन का निर्माण, साथ ही साथ मामले में निहित आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए आदि मांगों को लेकर यह मोर्चा निकाला जाने वाला है। इस मोर्चे में 50,000 की संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे। नागपुर के साथ ही गोंदिया, भंडारा आदि जिलों से सभी लोग आने वाले हैं, जिसके विषय में अधिक जानकारी समिति के मुख्य संयोजक किशोर गजबी ने दी है। स्थगिति से हमारा ये जो हमारे 3 डिमांड है, ये स्थगिति से नहीं पूरी होती ना। आप ये डिमांड पढ़ लीजिए, वो आपके पास में मैंने कागज दिया, इसलिए कि आप डिमांड देखिए। 20 एकड़ जमीन जो है उसका जीआर रद्द करो, उसका करारनामा रद्द करो, उसको हस्तांतरित करने का जो शासन निर्णय है वो रद्द करो, ये हमारी डिमांड है। वो हुई क्या? नहीं हुई। दूसरी डिमांड क्या है? वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ही भव्य स्मारक होगा, ऐसी घोषणा करो। ये घोषणा हम, वो जमीन हमारी नहीं है, वो जमीन महानगर पालिका की है। महानगर पालिका ने जो काम करना चाहिए था वो किया नहीं, उन्होंने अपने काम में कसूर किया। महानगर पालिका ने बाबा साहब का स्मारक न बनाकर, जमीन देने के बाद भी स्मारक न बनाकर अपने कर्तव्य में कसूर किया है, और उसके उनके इस कसूर को महाराष्ट्र सरकार ने सीरियसली गंभीरता से लेना चाहिए था, वो नहीं लिया उन्होंने, और उल्टे एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को जमीन दिया। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेम्बरे, BCN न्यूज़ नागपुर।